हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनसंचार अचीवर्स। मैं शरद शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में, अर्थात विज्ञापन के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है और द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर, जिसका फर्स्ट है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब जानकारी पूर्ण विज्ञापन। इट इन्फॉर्म्स कस्टमर्स अबाउट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और आइडियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा विज्ञापन होता है जो कस्टमर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी उसके उत्पाद के, उसकी सेवाओं के और उसके आइडिया के बारे में बताता है। इट बिल्ड्स ब्रांड इमेज एंड करेक्ट्स फॉल्स इंप्रेशन। ये क्या करता है, एक ब्रांड की जो है वो इमेज क्रिएट करता है, और अगर आपका कोई फॉल्स इंप्रेशन है, मतलब किसी प्रोडक्ट के प्रति, किसी उत्पाद के प्रति आपका जो इम्प्रेशन है वो गलत बना हुआ है, तो उसको एक करेक्ट करता है। जैसे कि कोई नई कार लॉन्च हुई है तो उसका प्राइस काफी हाई है, तो फर्स्ट टाइम में तो आप सोचेंगे कि ये महंगी कार है, बेफिजूल इस पे पैसा खर्च करना बेकार है, लेकिन जब आप उस एड को देखेंगे तो आपको पता लगेगा उस गाड़ी के कुछ फीचर्स ऐसे हैं, कुछ सेफ्टी फीचर्स उसमें अच्छे हैं, इस वजह से वो कार महंगी है। सेकेंड है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, अर्थात प्रेरक विज्ञापन। This advertising persuades or motivate prospective customers to buy product swiftly. एक ऐसा विज्ञापन होता है जो क्या करता है, जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उनको तेजी से क्या करता है, ये प्रेरित करता है कि उस प्रोडक्ट को वो जल्दी से परचेज करे। जैसे कि आपने मॉल्स में देखा होगा बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की जो एड होती है, तो हम वो प्रोडक्ट हम बहुत जल्दी परचेज करते हैं। थर्ड है रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, इट मींस याद दिलाने वाला विज्ञापन। दिस एडवर्टाइजमेंट रिमाइंड्स एग्जिस्टिंग कस्टमर टू बिकम हैवी यूजर ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्रांड इमेज। ये ऐसे विज्ञापन होते हैं जो क्या करते हैं, जो पहले से ही उस प्रोडक्ट के कस्टमर है, उनको ये क्या चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को परचेज करें या जो सेवाएं हैं उसको कंज्यूम करें, और ये क्या करते हैं, उस ब्रांड को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। जैसे कि पीवीआर का एक प्रिविलेज मेंबर कार्ड होता है, वो क्या करता है, वो आपको बार बार रिमाइंड कराता रहता है कि जैसे कुछ नए ऑफर्स आए हैं, कि अगर आप वीकेंड में मूवीज देखेंगे तो आपको एक मूवी फ्री मिलेगी, कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट है नेगेटिव एडवर्टाइजिंग, अर्थात नकारात्मक विज्ञापन। This advertising dissuade audience from purchasing those products which are harmful for society and individual. ये एक ऐसे विज्ञापन होते हैं जो audience को बताते हैं कि उनको कुछ product नहीं purchase करने चाहिए जो उनके लिए और समाज के लिए हानिकारक है, जैसे alcohol हो गया, शराब हो गया, तंबाकू हो गया, narcotics etc. Next हम बात करेंगे on the basis of region, means कार्य क्षेत्र के आधार पर। इसमें फर्स्ट है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग, वैश्विक विज्ञापन। दिस एडवर्टाइजिंग चूजेस दोस मीडिया व्हीकल्स व्हिच हैव इंटरनेशनल रीच फॉर ग्लोबल मार्केट्स। ये एक ऐसे विज्ञापन होते हैं जिसमें हम ऐसे मीडिया व्हीकल्स का यूज करते हैं जिनकी जो रीच है, जिनकी जो पहुंच है, वो सुदूर क्षेत्रों तक है। सुपर मॉडल्स एंड सिनेमा स्टार्स आर यूज्ड टू प्रमोट हाई एंड प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है, हम ऐसे मॉडल्स लेते हैं या सिनेमा के स्टार्स लेते हैं जो काफी फेमस है, जो इंटरनेशनल लेवल पर उनको लोग जानते हैं, तो हाई एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको एडवर्टाइज करने के लिए इन तरह के सुपर मॉडल्स का यूज करा जाता है। जैसे सोनी और पेप्सी जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड है, आपने देखा होगा बहुत फेमस चेहरे लाते हैं एडवर्टाइजिंग में। नेक्स्ट है नेशनल एडवर्टाइजिंग, मीन्स राष्ट्रीय विज्ञापन। इट इज एग्जीक्यूटेड बाय फर्म एट नेशनल लेवल। It is designed to increase demand of product or services within the country itself. ये क्या होता है? ऐसे विज्ञापन होते हैं जिनकी जो रीच होती है, जो पहुंच होती है, वो नेशनल लेवल तक होती है, जैसे किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए होती है, और जो ये क्या करते हैं, डिमांड रेज करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, लेकिन जो उसका दायरा होता है वो उस कंट्री तक, उस देश तक ही सीमित होता है, जैसे कि BPL है या वर्लपूल के फ्रिज है। नेक्स्ट है रीजनल एडवर्टाइजिंग, क्षेत्रीय विज्ञापन। This type of advertising is confined to single region of the country. It can be done by manufacturer or seller of the firm. ये ऐसे विज्ञापन होते हैं जो कहाँ cater करते हैं, एक particular region को cater करते हैं country के, और ये किसके, इनके द्वारा करे जाते हैं, इनका जो manufacturer है, जो उसको बना रहे हैं, जो उसको बेच रहे हैं, दोनों के द्वारा ये दिया जा सकता है। जैसे असान ट्रिब्यून एक न्यूज़पेपर आता है जो कहाँ की खबरें लाता है, वो केवल नॉर्थ ईस्ट रीजन की खबरों को लेकर आता है। नेक्स्ट है लोकल एडवर्टाइजिंग, स्थानीय विज्ञापन।
When advertising is done for one area or city, it is called local advertising. It is generally done by stores to persuade customers to come to their store regularly. ये जो लोकल एडवर्टाइजमेंट होती हैं, इनका जो दायरा होता है, जो एरिया होता है, वो काफी छोटा होता है. एक पर्टिकुलर सिटी हो सकती है, इसलिए इनको लोकल एडवर्टाइजिंग कहते हैं. और ये किनके द्वारा करी जाती है? बेसिकली जो स्टोर्स के ओनर है उनके द्वारा करी जाती है. ये क्या चाहते हैं? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं. मीन्स ब्रांड तो इसमें बाद में आएगा कि वो क्या परचेज करना चाहते हैं. इनका जो मुख्य जो उनका काम होता है वो ये होता है कि अपने स्टोर के प्रति वो कस्टमर्स को आकर्षित करे. जैसा कोई पर्टिकुलर स्टोर है, वो क्या करता है, वो संडेज को 10% डिस्काउंट देता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सामान वहीं से परचेज करेंगे. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टारगेट मार्केट. इट मीन्स कि उनका लक्षित बाजार कौन सा है, उसका जो टारगेट मार्केट है, मींस उसकी रीच कहां सी है, किस टाइप के प्रोडक्ट वो एडवर्टाइज कर रहे हैं. जिसमें फर्स्ट है कस्टमर प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, मींस ग्राहक उत्पाद विज्ञापन. दिस एडवर्टाइजिंग इज क्रिएटेड फॉर कस्टमर हु इज एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट हु बाइज फॉर हिज पर्सनल यूज. ये ऐसे विज्ञापन होते हैं ग्राहक उत्पाद के, जिसका ये किस लिए बनाए जाते हैं, ये उन ग्राहकों के लिए बनाए जाते हैं जो उस प्रोडक्ट के, उस उत्पाद के एंड यूजर है. एंड यूजर मींस कि जो लास्ट कंज्यूम कर रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट, उसके बाद वो कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता. और ये क्या करते हैं, ये अपने पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं. जैसे लैक्मे के कॉस्मेटिक्स आते हैं, तो उसका एंड यूजर कौन होगा, जो उसको यूज कर रहा है या उनको जो कॉस्मेटिक्स को अप्लाई कर रहा है. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग. इट मीन्स की औद्योगिक उत्पाद विज्ञापन. इट इज बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग. इट इज डन बाय इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर टू इंक्रीज डिमांड ऑफ देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. अब इसमें क्या होता है, एक तो ये जो इस टाइप के जो विज्ञापन होते हैं ये व्यवसायिक होते हैं. मीन्स ये इसका जो लोकल मीन्स कस्टमर से इसका कोई मतलब नहीं है. इसकी जैसे कोई इंडस्ट्रियल पार्ट बना रहे हैं, कोई मीन्स कोई मशीन का पार्ट बना रहे हैं, जो कौन यूज करेगा, जो व्यवसाय जो उद्योग चला रहा है वो यूज करेगा, कस्टमर यूज नहीं करेगा. जैसे मोबाइल के लुब्रिकेंट आते हैं जो मशीन में यूज करे जाते हैं, इस टाइप से. नेक्स्ट है ट्रेड एडवर्टाइजिंग, मींस व्यापार विज्ञापन. इट इज डन बाय मैन्युफैक्चर टू परसुएड होलसेलर एंड रिटेलर्स टू सेल हिज गुड्स. मीडिया आर चोजन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स क्वालिटीज. इट इज फॉर दोज रिटेलर्स हु कैन सेल दैट प्रोडक्ट. अब ये क्या है, ये ऐसे व्यापार मतलब व्यापारिक विज्ञापन होते हैं जो किनके द्वारा करे जाते हैं, जो निर्माता के द्वारा करे जाते हैं जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं. और किसको कैटर करते हैं, जो होलसेलर को, जो थोक के व्यापारी हैं, जो खुदरा व्यापारी हैं, उनको परसुएड करते हैं कि वो हमारा सामान लें और उसको बेचें. और इसमें जो मीडिया व्हीकल चूज करा जाता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से यूज करा जाता है कि हम उसको कौन से प्लेटफॉर्म पर उसका एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं. और ये केवल उन्हीं रिटेलर्स के लिए या होलसेलर्स के लिए होता है जो काबिल हैं या उस सामान को बेचना चाहते हैं. जैसे कोई कोई सॉफ्ट ड्रिंक आई है नहीं, तो उसका एडवर्टाइजमेंट हम कहां देंगे, ऐसी मैगजीन में देंगे जो ग्रोसरी की मैगजीन हो. नेक्स्ट है प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग, मीन्स ऐसी जो किसी पर्टिकुलर पेशे को डिपिक्ट करती हो. इट इज एग्जीक्यूटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू इन्फ्लुएंस प्रोफेशनल इन अ पर्टिकुलर ट्रेड ऑफ बिजनेस टीम. तो ये ऐसे विज्ञापन होते हैं जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिए जाते हैं. किस लिए दिए जाते हैं, वो कुछ प्रोफेशनल्स को या तो वो हायर करना चाहते हैं या उनको किसी पर्टिकुलर बिजनेस में लगाना चाहते हैं. जैसे ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको टीचर्स की रिक्वायरमेंट है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, तो ये किसके दायरे में आएगा, प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग के दायरे में आएगा. नेक्स्ट है फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग, मीन्स वित्तीय विज्ञापन. बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड कॉर्पोरेट फर्म्स इशू एडवर्टाइजमेंट्स टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम मार्केट. दे पब्लिश प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशंस फॉर्म. तो ये जैसे बैंक्स हो गए या कुछ वित्तीय संस्थान हो गई और कॉर्पोरेट फर्म्स हो गई, ये क्या करती हैं, ये विज्ञापन देती हैं. जैसे किसी न्यूज़पेपर में विज्ञापन दे दिया कि फंड कलेक्ट करने के लिए, तो ये अपना अपने जो एक तरह से पब्लिश करते हैं, विवरणिका होती है जिसमें सारी डिटेल्स होती है, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं. जैसे कि जो कंपनीज आईपीओज ऑफर करती हैं तो वो सारी डिटेल न्यूज़पेपर वगैरह में देती हैं उस टाइप से. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही. इसका सेकंड पार्ट में बहुत जल्द लेके आऊंगा. होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जनसंचार अचीवर्स. थैंक यू.